कैसे एवरीवन बेबी कैसे हो, आशा करता हूँ यार बहुत ही अच्छी होंगे। एक और नई वीडियो में आपका सबका स्वागत है। कि आज हमारी एक्टिवा ना 3000 किलोमीटर रन कर चुकी है, तो हमारी सर्विस तो कहने के मतलब हम सर्विस करवाएंगे, और हमारा टायर भी है ना 10% रहा है, तो हम टायर भी चेंज करवाएंगे और एक्टिवा की सर्विस भी करवाएंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग फोर सर्विस है, यानी कहने मतलब 3000 किलोमीटर पे मैं समथिंग इसकी सर्विस करवा लेता हूँ। ज़्यादा नहीं चलाता हूँ क्योंकि यार टाइम पे ख्याल रखना होता है बाइकों का, तभी तो हमारे बाइकों का मेंटेनेंस अच्छा रहेगा। क्योंकि हम समय पे करवा लेते हैं ना, तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ती है, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम टायर भी चेंज करवा लेंगे और सर्विस भी करवा लेंगे। तो बने रहना वीडियो में, हमें पूरा सर्विस वीडियो दिखाने वाले हैं और आपको टायर चेंज भी करवाने वाले हैं, कि टायर का कितना प्राइस रहेगा, क्या वारंटी है, क्या है। हम एजेंसी से चेंज करवाएंगे, जो कि MRF और TVS सभी कंपनी की एजेंसी होती है, वारंटी समय टायर देते हैं, वो टायर डलवाएंगे हमारी एक्टिवा में, तो कितनी कॉस्ट रहती है। तो चलो चलते हैं वर्कशॉप पे ही सीधा। नहीं, ये टायर चूज़ किया TVS का, जो कि 2 साल की वारंटी है, 1250 रुपये इसकी कॉस्ट है। तो चलो इसको टायर दिखाता हूँ आपको एक बार। तो ये रहा हमारा नवा वाला टायर, देखो ये डलने वाला है, और ये हमारा पुराना वाला टायर जो निकाल रहे हैं। अब फाइनली गाइस ये टायर डल गया है, अब चलो सर्विस के लिए चलते हैं। यहाँ पे तो पे करती है। तो गाइस ये वॉशिंग हो रही है इसकी, देखो कितने अच्छे तरीके से वॉश हो रही है। लगभग इसमें है ना 50% तो इसमें वॉश हो जाती है, फिर इसमें कीचड़ वगैरह है ना वो निकल जाएगा, फिर इसमें शैम्पू से धोएगा। देखो ये फिर इस शैम्पू को लगा के फिर वापस उतारेंगे। इसमें तीन प्रोसेस होती है, जिसमें फर्स्ट कंप्लीट हो गई है और सेकंड चालू होने वाली है। देखो ये वॉशिंग हो रहे हैं, इसमें है ना शैम्पू लगा रहे हैं। इसमें आपको पूरा लगाने के बाद में इसका लुक चेक करना, इसका एक बार लुक दिखा दूंगा आपको। देखो शैम्पू के साथ कितनी अच्छी लगेगी। शैम्पू लग चुका है इसके, अब है ना इसके देखो कितने अच्छे तरीके से लगा है। तो अब होने वाली इसकी वॉशिंग, तो इसकी वॉशिंग है ना इसकी लास्ट प्रोसेस रहेगी। ये सेकंड प्रोसेस है जिसमें शैम्पू लगा दिया गया, तो इसमें ये लास्ट प्रोसेस हो रही है। इसमें इसके अंदर है ना अच्छे से वॉश हो गई है, तो इसमें पानी वानी लगा के फिर ये इसको सूखने देंगे, फिर इसमें पॉलिश होगी, तो पॉलिश तो बाद में करेंगे। तो इसको अंदर लेके फिर इसका ऑयल चेंज देंगे, सर्विस में क्या क्या खर्चा है। ऑयल तो मोस्टली चेंज होने वाला ही है, और फिल्टर वगैरह सब देखेंगे क्या क्या चेंज होने वाला है, वो चेंज करवाएंगे और अच्छे से सर्विस दिखाएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहना, कोई भी कट मत। तो गाइस इसमें है ना फिल्टर इसमें चेंज होगा या साफ होगा, ये इसमें खोल के डिसीजन होगा। तो चलो इसको पहले खोलते हैं। और वाह, ये फिल्टर है, तो इसमें ज़्यादा डस्ट तो है नहीं, इसमें चेंज तो होने वाला नहीं, ये इसकी सफाई होके वापस लगेगा। तो लो सफाई है, तो सफाई होके फिर इसमें है ना वापस फिल्टर डलेगा, क्योंकि यहाँ से भी सफाई होती है और वहाँ से सफाई होती है। अरे यहाँ से भी गाइस थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि इससे यहाँ पे डस्ट रह जाएगी ना, तो इससे खराब हो जाए हो सकता है। तो यहाँ पे है ना फिल्टर सफाई के लिए हवा बंद, तो हमारा फिल्टर ये रहा, तो इसको साफ होगा ये इससे। तो गाइस ये ऑयल चेंज हो रहा है, फिल्टर वापस चेंज है, इसमें है ना सफाई वफाई करके वापस लगा दिया है, जैसे फिट था ना वैसे। इसमें दो चार ये आते हैं बोल्ट, तो ये लगेंगे फिर इसमें फिट हो जाएगा। ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है हमारे में, ओनली फॉर एक ऑयल चेंज हुआ है, और है ना वॉशिंग हो चुकी है। और बात रही कि इसमें ज़्यादा कुछ कॉस्ट ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि भाई एक चीज़ बताऊँगा, आप टाइम पे करवाओगे ना कोई भी काम, तो वही बोलते हैं कि भाई टाइम पे संभालोगे ना तो उसके उतने पैसे नहीं लगेंगे। और आप अगर टाइम पे केयर नहीं करोगे ना स्कूटियों की या कोई भी किसी भी चीज़ की, तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी आपको। तो मैंने तो 2500 किलोमीटर चलाते इसमें चेंज करवा दिया है। ऑयल उतना जल के यानी ब्लैक तो नहीं हुआ था, फिर भी मैंने चेंज करवा दिया है। तो गाइज फाइनली गाइज हमारी स्कूटी सर्विस हो चुकी है, तो इसे फटाफट थोड़ी बहुत पॉलिश रही है वो करवा के निकलते हैं गाइज। तो बिना किसी देरी हुई है, तो आपको बता देंगे कि कितने कॉस्ट पड़ी है और कितनी कॉस्ट नहीं पड़ी है, सर्विस कॉस्ट भी बताएंगे आपको। ऑयल चेंज के 350 रुपये प्लस ये कॉस्टिंग चार्ज लिए 200 रुपये के, यानी 550 के समथिंग पड़ी है। तो कोई ना, चलो करते हैं और फटाफट से निकलते हैं यहाँ से।
और मिलते रास्ते में आपको बात बात करेंगे क्या है क्या नहीं है और थोड़ी बहुत। ओके गाइस, यहाँ से निकलते हैं। देखो अब आपको दुकान का नाम बता देता हूँ। ये हमारे भैया है अश्विन भैया, तो इनसे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं और भाई इनको सेवा का भी मौका देना है। देखो वीर तेजा पास, ये मेरे भैया जिन्होंने सर्विस की है। तो भैया कुछ बोलना चाहोगे क्या? आप चाहोगे? अच्छा बाद में बोलेंगे, ठीक है। ओके मिलते हैं हम बाहर जाके। फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं थे सर्विस करवा के, तब हम जा रहे हैं। फ्यूल थोड़ा कम है, देखो इतना तो है लेकिन और डलवा लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि टैंकी फुल रखने वाले लोग हम तो वैसे, क्योंकि इसमें कम पैसे में हो जाती है। तो यार हमारे पास पैसे हैं तो चलो फ्यूल तो डलवा ही लेते हैं। तो फ्यूल डलवाने के लिए वो रहा पेट्रोल पम्प आगे सामने दिखाई दे रहा है, तो उससे पेट्रोल फ्यूल डलवाते हैं और बाकी देखो पहले चलते हैं। चुका है हमारा पेट्रोल पंप, तो अंदर से जाके डलवाते हैं थोड़ा बहुत। वैसा आज हमने काम तो पूरा करवा लिया, इसका टायर वगैरह सब चेंज करवा के तो फ्यूल व्यूल डलवा लेते हैं। ये रहा सामने पे करवा लिया है तो थोड़ा बहुत है इसमें, चलो इतना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ना थोड़ी बहुत चलेगी तो भी फ्यूल ऊपर आ जाएगा, ज़्यादा कम तो नहीं है, इतना कम है तो चल जाएगा वो तो। तो गाइस वैसी सर्विस अच्छी है, ये नॉर्मल तरीके से हो गई, ज़्यादा कॉस्ट वॉस्ट तो आई नहीं। तो मेरे से लगभग यानी 550 रुपये बने थे तो वो हमने पे कर दिए। और हेलो गाइस, तो हम सर्विस करवा के घर पे आ चुके हैं। तो हमारी सर्विस की कॉस्ट बता देता हूँ आपको, सर्विस की और 550 बड़ी थी और हमारे टायर की 1250 रुपये है, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ है। इसमें बोला है कि अगले वाले एजेंसी वालों ने कि हवा कम मत रखना, हवा फुल रखना, और बाकी टायर फटेगा तो टायर की 2 साल चेंज करके देंगे। तो अब 2 साल के लिए हमारे टायर की और 15,000 किलोमीटर तो आराम से निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 साल के लिए कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, और 3,000 किलोमीटर तक तो अब हमारी सर्विस भी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ऑयल चेंज हुआ था और तो सब A1 कंडीशन के थे, क्योंकि 3,000 किलोमीटर पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है चेंज, क्योंकि 3,000 रुपये करवा लेते हैं ना। तो गाइस यही तो बोलता हूँ कि आप टाइम पे सर्विस कराओगे तो उसके उतने कॉस्ट नहीं पड़ेंगे। अगर आप फिल्टर तो गले वाले में चेंज होना है, अगर आप 3,000 या 5,000 किलोमीटर चलाने बाद में सर्विस करवाते हो तो फिल्टर तो चेंज होगा प्लस कंडीशन भी ख़राब हो जाएगी। ऐसे अब 3,000 किलोमीटर एक बार फिल्टर साफ हो गया है तो इसमें 3,000 किलोमीटर तक तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, और ऑयल तो हमारे टाइम पे चेंज करवाना रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जगते बाय, जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।